सो हाय एवरीवन, स्वागत कीजिए वापस एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल एक इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक फ्रॉड चल रहा है एक प्रकार से, जो कि FGB कंपनी के नाम पे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है जो कि हमको आज ही पता चला। मेरे इंस्टाग्राम पे 5 आदमी का मैसेज आया है जो कि FGB का नाम ले रहा है लोग कि FGB कंपनी में मैं जा रहा हूँ। भाई ये थोड़ा आप डिटेल्स बताओ कि मैं FGB कंपनी में जा रहा हूँ, वहाँ पे हमको पैकिंग का काम मिलेगा, मतलब तेल को पैकिंग करना है, AC रूम मिलेगा, वहां पे जो पेमेंट मिलेगा 3000 की बेसिक पेमेंट मिलेगा। ऐसा 5 आदमी का मैसेज आया है मेरे वीडियो के ऊपर में, जो कि यूपी से है लोग, 5 आदमी। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग को डिटेल्स में बता दिया जाए कि FGB कंपनी में अगर आप लोग आते हैं तो क्या आप लोग को पैकिंग का मिल सकता है क्या FGB कंपनी में आने के बाद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही चीज बात करने वाला हूँ, आप लोग को पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ FGB कंपनी के बारे में, कि अगर आप लोग मलेशिया में आते हो FGB कंपनी के अंदर में तो आप लोग से क्या काम कराया जाएगा। ठीक है, FGB कंपनी में पैकिंग काम भी होता है, पैकिंग काम में आप लोग कैसे आ सकते हो, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बात करें। मलेशिया में जो FGB कंपनी है, तो FGB जो कंपनी है मलेशिया का ना बहुत ही बड़ा कंपनी है। ठीक है, FGB कंपनी बहुत ही बड़ा कंपनी में, उसमें 3 प्रकार के काम होते हैं FGB कंपनी में। ठीक है, FGB कंपनी में 3 प्रकार के काम होता है। एक होता है प्लांटेशन का काम, जिसमें पॉम ऑयल काम होता है, रबर काम होता है, मतलब अधिकतर तो पॉम ऑयल काम होता है। उसका दूसरा काम एक होता है, बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप में इन लोगों का काम चलता है जो कि FGB कंपनी है। दूसरा एक काम होता है चीनी उद्योग, जो शुगर चीनी का भी बहुत सारा उसका मिल है मलेशिया के अंदर में, जिसमें चीनी बनाया जाता है। तीसरा एक काम होता है जो होता है तेल, जो सादी कंपनी का भी जो तेल मलेशिया में मिलता है, जो पॉम ऑयल का तेल मिलता है, वो FGB कंपनी से ही आता है। ठीक है, 3 प्रकार से मलेशिया में काम होता है जो FGB कंपनी के अंदर में होता है। तो दोस्तों बात करें कि अगर आप लोग मलेशिया से FGB कंपनी में आते हो, आपका अगर वीजा FGB कंपनी होता है, आप लोग कौन से काम करेंगे, क्या आप लोगों से पैकिंग काम कराया जाएगा क्या मलेशिया के अंदर में आकर, अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है तो दोस्तों आप लोगों से मलेशिया के अंदर में आप लोग आते हो जो कि FGB कंपनी के अंदर में आप लोग आते हो, तो जो आप लोग से काम कराया जाएगा प्लांटेशन का काम कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से जो काम कराया जाएगा, आप लोग से प्लांटेशन काम कराया जाएगा, जो कि साजी जो तेल का जो पैकिंग काम आप लोग का है, जो सेपरेट काम है, जो साजी में होता है जो पैकिंग काम, अगर आप लोग साजी में आना है जो तेल का पैकिंग काम है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। उसमें आप लोग आने के लिए FGB कंपनी का आपका वीजा नहीं लेगा, वो दूसरा एक कंपनी का वीजा लेगा, लेकिन नाम रहेगा FGB का ही। ठीक है, लेकिन उसका एक दूसरा ब्रांच जो है साजी। आप लोग अगर FGB कंपनी में आकर ये चीज सोच रहे हो कि मेरा जो काम है पैकिंग काम लग जाएगा, तो आप लोग का बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप लोग मलेशिया में आओगे पैकिंग काम में, तो एक अलग कंपनी है साजी, और आते हो प्लांटेशन कंपनी में, आते हो FGB कंपनी में, तो आप लोग प्लांटेशन का काम करा जाएगा। ठीक है, बात करके प्लांटेशन कंपनी में क्या क्या काम होता है, तो मलेशिया का ना बहुत ही बड़ा एक प्लांटेशन कंपनी में बहुत एक प्रकार से मान लीजिए खेत टाइप का होता है, उस पर पेड़ लग रहा है जो कि पॉम ऑयल का पेड़ होता है, उसी को आप लोग को देखभाल करना है। ठीक है, उसको आप लोग को देखभाल करना है, उसको फल को कटिंग करना है, फल लोडिंग करना है, उसमें खाद मारना है, दवा मारना है, यही सब काम आप लोग कराया जाएगा जो कि FGB कंपनी में कराया जाएगा आप लोगों से। अगर आप लोग FGB कंपनी में आते हो, अगर ये लालच में आते हो कि मैं पैकिंग काम में जा रहा हूँ मलेशिया के अंदर में, तो आप लोग से पैकिंग काम नहीं कराया जाएगा, आप लोग से यही सब खेती के काम कराया जाएगा, जो कि फार्मर का काम कराया जाएगा आप लोग से। बात करें कि इसमें आप लोग रियल पेमेंट कितना मिलेगा, क्योंकि आप लोग एजेंट जो बोल रहा है 3000 रिंगिट बोल रहा है, तो यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगा आप लोगों को 1500 रिंगिट बेसिक पेमेंट मिलेगा आप लोग FGB कंपनी में। आप लोग का जो पेमेंट मिलेगा 8 घंटा का मिलेगा 1500 रिंगिट। अगर आप लोग ओवर टाइम आप लोग को चलता है, तो आप लोग उसमें एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो, मतलब 2500, 3000, 3500, 4000, 6000, 5000, अलग आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना मेहनत करते हो, कितना पैसा कमाते हो। ठीक है, लेकिन जो रियल काम होगा आप लोग FGB कंपनी में, जो कि काम कराया जाएगा आप लोग को एग्रीकल्चर का, फार्मर का, फार्मिंग आप लोग से कराया जाएगा, जो कि खेत में आप लोग काम कराया जाएगा, आप लोग को पेड़ के पास जाकर धूप में रहेगा, चाहे छाँ रहेगा, चाहे बारिश रहेगा, आप लोग जाकर काम करना पड़ेगा आप लोग को, उसमें दवा मारना पड़ेगा, खाद मारना पड़ेगा। उस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ FGB कंपनी के ऊपर, फुल डिटेल्स उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को एजेंट अगर बोल के ये चीज़ गुमराह कर रहा है, और आप लोग से बोल रहा है कि नहीं आप जाओगे मलेशिया के अंदर में FGB कंपनी में, आप लोग का पैकिंग काम लग जाएगा, आप लोग तेल का जो पैक करना है, तो पैक वाला जो डिपार्टमेंट है अलग डिपार्टमेंट है, उसमें आप लोग ये वाला वीजा से काम नहीं होगा, दूसरा जगह से उसका वीजा अप्लाई होता है इंडिया में। ठीक है, आप लोग को मैं बता भी दिया हूँ, एक वीडियो बनाया कि मलेशिया आने के लिए, चाहे किसी भी दूसरे देश जाने के लिए, कहाँ कहाँ पे ऑफिस है इंडिया के, उसका पूरा फुली एक PDF ही अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल के ऊपर में, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हो, चाहे किसी देश में जाना चाहते हो जेन्युइन तरीके से, रियल तरीके से, तो आप लोग वो सब ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके आप लोग आते हो, तो आप लोग फंसोगे नहीं, तो ऐसे एजेंट लोग आप लोग फंसा देगा। जैसे कि ये भाई लोग, 5 भाई लोग जो थे, 5 आदमी हमसे कॉन्टेक्ट किए, भाई मैं मलेशिया आ रहा हूँ, आप थोड़ा बता दीजिए FGB कंपनी में आ रहा हूँ,
और तेल पैकिंग का काम करना है। मैं सोचा तेल पैकिंग काम करना है एलजीबी कंपनी में, तो मैं सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाले स्कैम से फंसने वाले हैं अभी इंडिया के अंदर। तो मैं आप लोगों से पॉलिंग सावधान कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग कोई एजेंट चाहे कोई ऑफिस वाला बोल रहा है कि एलजीबी कंपनी जाकर आप लोग तेल पैकिंग काम करना है, तो तेल पैकिंग काम नहीं करना पड़ेगा भाई, तेल निकालने काम करना, ठीक है। तेल का जो खेती है उसके अंदर आप लोग काम करना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग का अच्छा लगा मेरा वीडियो, आप लोगों को मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस मिल गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल बनाए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब सेल्फ वीडियो मैं चैनल पर बनाते रहता हूँ ताकि आप लोग उसे इन्फ्लुएंस मिलता। बस इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।